बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी के यात्राओं की कहानी सुनेंगे और गांधी की यात्राओं के बारे में ये बहुत साफ होना चाहिए कि गांधी को पैदल चलना बहुत अच्छा लगता था और गांधी ने काफ़ी पदयात्रा भी की। उनकी पदयात्राओं की कहानी अद्भुत है और कभी सुनाई जा सकती है, कुछ सुनाई भी गई है पहले अलग अलग प्रसंग में, लेकिन गांधी ने सबसे ज़्यादा यात्रा रेलगाड़ियों से की और रेलगाड़ियों में भी गांधी कभी प्लेन पे नहीं चढ़े, विमान पे गांधी कभी नहीं चढ़े। विमान उनके समय आ गए थे लेकिन गांधी विमान पे नहीं चढ़े। एक दफ़े उनके एसी का किस्सा ज़रूर है कि जब वो वायसराय लॉज आज के राष्ट्रपति भवन में गए थे तो एक दफ़े उनको एसी से पाला पड़ा था, कपकपाते रहे, लेकिन प्लेन पे गांधी कभी नहीं चढ़े। तो उनकी यात्रा का मतलब मुख्य रूप से रेल की यात्रा है और रेल की यात्रा का भी मतलब गांधी के लिए थर्ड क्लास की यात्रा है। तीसरे दर्जे की यात्रा करने में गांधी को शर्म का मामला नहीं है बल्कि गांधी का ये नियम था। और बाद के दिनों में जब उनका कद काफ़ी बड़ा हो गया और आंदोलन काफ़ी ताकतवर हो गया और उनकी जिद थी कि थर्ड क्लास में ही चलेंगे, तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनके लिए थर्ड क्लास का स्पेशल कूपा सा बनवा दिया कि उनके साथ जब वो चलते थे तो उसमें वो डब्बा जुड़ जाता था और उसी में वो अपना चलते थे। उनके साथ उनकी टीम होती थी, टिकट और भाड़ा देंगे, लेकिन डिब्बा थर्ड क्लास का ही होगा लेकिन अलग डिब्बा होगा। लेकिन ये हैसियत बहुत बाद में आई और बहुत बाद में थोड़े दिन इस तरह की सुविधा गांधी को मिली। अदरवाइज गांधी ने पूरी यात्रा थर्ड क्लास में ही की और थर्ड क्लास का मतलब थर्ड क्लास था। आज की तरह न वहाँ कोई रिजर्वेशन होता था, न कोई स्लीपर क्लास था, न कोई सोने का इंतजाम था, बल्कि शौच के किस्से इतने हैं कि टॉयलेट कितने गंदे और ख़राब रहते थे। और गांधी ने सिर्फ यात्रा नहीं की, गांधी ने थर्ड क्लास डिब्बों में सुविधा बढ़ाने की और सुविधाओं के अभाव की, गंदगी की, इसकी शिकायत लगातार की और उसमें भी सुधार कराया। उनकी यात्राओं के किस्से बहुत हैं और बहुत ही अद्भुत किस्म के हैं रेल के, और कितनी भीड़ में और किस तरह से वो चलते थे और सारे प्रोग्राम पहले से तय होते थे, तो इसलिए कहीं वो रुक नहीं सकते थे। ये नहीं होता कि इस गाड़ी में जगह नहीं मिली या इसमें ज़्यादा भीड़ है तो हम अगली गाड़ी से चले जाएं, क्योंकि गाड़ियों का कनेक्शन उस समय काफ़ी कम था फ्रिक्वेंसी, और दूसरा ये कार्यक्रम इस तरह के पैक थे कि इसमें गाड़ी छोड़ने की संभावना थी ही नहीं। जिस गाड़ी में जाना है उसी में जाना है, चाहे जिस भी हालत में हो। खुद गांधी ने लिखा है कि किस तरह उन्होंने कुलियों को पैसे दे के 12 आना कुली को दिया और कुली ने खिड़की से उनको रेल के डिब्बे में अंदर ठेल दिया। और इस तरह की भी यात्रा गांधी ने की और खुशी खुशी की और ये चलते रहे लंबे समय तक। और मैं तो कई दफ़े हैरान होता हूँ, 10 महीने करीब वो चंपारण में थे, लेकिन जब मैं दिन गिनने लगा चंपारण के तो कुल मिला के 175 दिन, इसका मतलब कि 6 महीने भी वो वहाँ नहीं रहे, दिन के हिसाब से 6 महीने से भी कम रहे। तो 3-4 महीने का समय उन्होंने लगभग रेल यात्रा में गुजारा था, जो कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी रांची, इस तरह से आते जाते रहे, क्योंकि आंदोलन की भी ज़रूरत थी और बाहर कांग्रेस और अपने आश्रम, तब उनका साबरमती आश्रम बन रहा था। तो इसी तरह से उनकी यात्रा, इसी रेशियो में उनकी यात्रा है कि वो दिन रात चल रहे हैं और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी के लिए ये हुआ ज़रूर बाद में कि उनके कार्यकर्ताओं ने, जब उनका कद बढ़ने लगा और आंदोलन थोड़ा फैलने लगा, उनका नाम जब होने लगा, तो उनके कार्यकर्ता ये होशियारी करते थे उनको बताए बगैर भी अक्सर, के 2-4 स्टेशन पहले चला गया कोई 2-3 आदमी और वो जाके एक डिब्बे में जगह थोड़ी खाली करा लेता था, ये कह के कि अब यहाँ गांधी जी चलेंगे, आप लोग थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, अगल बगल हो जाइए, यहाँ गांधी के लिए थोड़ी जगह बना दीजिए। तो अक्सर ये होता था कि उनको जाना है तो कुछ कार्यकर्ता वहाँ के लोकल पहले चले जाते थे 1-2 स्टेशन पहले और वहाँ से जगह खाली करा के ले आते थे। थोड़ी भीड़ हल्की हो गई तो गांधी को बैठने की जगह मिल गई, अपना कुछ कुछ काम, वो लिखना पढ़ना भी ट्रेन में करते थे काफ़ी रेगुलर, तो वो सब काम करने की उनकी गुंजाइश हो जाती थी। लेकिन गांधी गांधी थे, उनको ये व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं लगती थी। और इसका एक अच्छा किस्सा हमारे पहले राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है अपने आत्मकथा में, वो किस्सा बढ़िया है। वो किस्सा ये है कि
वर्धा से मुंबई जाना था, उसमें माखनलाल जी भी थे उस यात्रा में गांधी जी के साथ, तो कार्यकर्ता पहले चले गए और जाके उन्होंने जगह खाली कराई, जगह क्या पूरा डिब्बा खाली करा लिया। तो जब गांधी का नाम सुनते, उस समय तक गांधी का की पर्सनालिटी ऐसी हो गई थी, तो जब गांधी ट्रेन में चढ़े तो खाली डब्बा देख के उनको थोड़ी हैरानी हुई, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ है और लोग कहाँ गए। तो और मणिलाल एक उनके भतीजा थे, मणिलाल उनके पुत्र नहीं, उनके एक भतीजा उनके साथ थे और माखनलाल जी थे, तो उन्होंने मणिलाल से ही कहा कि ये लोग कहाँ गए। तो मणिलाल जी पहले तो टाल मटोल करते रहे, लेकिन फिर उनको लगा कि गांधी मानेंगे नहीं, तो उन्होंने बताया कि हमारे कुछ लोग पहले आ गए थे और उन्होंने इस डिब्बे में बैठे लोगों से आग्रह किया, तो वो अगल बगल के डिब्बे में चले गए हैं, ये जगह आपके लिए और हम लोगों के लिए उन्होंने खाली कर दी, तो अब हम लोग चलें इसमें। तो गांधी को ये रहा नहीं गया, तो उन्होंने कुछ गुजराती में काफ़ी कुछ मणिलाल को सुनाया जो माखनलाल जी को समझ में नहीं आया, लेकिन उनको ये बहुत साफ लगा कि गांधी इस बात से काफ़ी गुस्से में हैं। और वो मणिलाल को गुजराती में बोलने का मतलब है कि उनको आत्मीय मान के वो सब चीज़ें सुना रहे होंगे जो सार्वजनिक तौर पे बहुत बोलना नहीं चाहते थे या जिसके बाहर होने का उनको थोड़ा डर होगा। तो मणिलाल अपना झेपते रहे बेचारे, उनके बस में कुछ भी नहीं था करना तब वहाँ, तो अपना चुप्पी लगाए रहे। लेकिन बाद में गांधी ने ये कहा कि बताइए मुसाफिर कहाँ गए, पुलिस डराती है, फौज डराती है, अधिकारी हटाते हैं, अंग्रेज डराते हैं, अब लोग गांधी से भी डरेंगे तो आम रेल यात्री कहाँ जाएगा, कि कम से कम गांधी के नाम पे तो न डराया जाए और डरा के लोगों को न उतारा जाए। बात इतने पे नहीं रही, गांधी ने ये सब कहा और गुस्से में उनको मणिलाल जी को सुनाते रहे काफ़ी चीज़ें जो दादा के बहुत पल्ले नहीं पड़ी गुजराती न जानने के चलते। लेकिन गांधी ने अगले स्टेशन पे ये काम किया कि वो उतर के इस डिब्बे से उतर के बगल के डिब्बे में चले गए जिसमें भीड़ भाड़ थी, गांधी को देख के लोगों ने अपने बीच जगह दिया और गांधी वहाँ बैठ के, तो दादा ने लिखा है कि वो भीड़ भाड़ के डिब्बे में गए और जब हमने देखा तो वो मगन होके अपना देश दुनिया जैसे सबसे बतियाते थे वैसे उस डिब्बे में बात करते हुए चल रहे थे, और उनको इस बात में बहुत आनंद आया कि लोग उनसे सामान्य ढंग से व्यवहार कर रहे हैं और सामान्य व्यवहार करते हुए वो अपना चले जा रहे हैं, और इसी क्रम में उनको अलग डिब्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्रम गांधी का लंबे समय तक चला, तब तक जब उनको अलग डिब्बा देने की व्यवस्था नहीं हुई, और उस व्यवस्था में भी गांधी बहुत खुश होते नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि ये खर्च जो चंदा देने वाले लोग हैं, एक एक पैसा चंदा हम लोग जुटाते हैं तो उस चंदे के नाम पे देना पड़ता है जो सामान्य से ज़्यादा है, तीसरे दर्जे में चलने में हमको इससे काफ़ी कम खर्चे में काम हो जाता। तो आज की कहानी इतनी ही, अगली बार हम फिर एक नई कहानी के साथ आएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।